कमाल यार जो उसने बोल्ड किया बॉलर ने। आपको 2012 की सीरीज याद आई होगी पाकिस्तान इंडिया की, तब मैं कहता हूँ कि ये सेम बोल्ड जुनेद खान ने किया था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के मैच के बारे में। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बहुत ही यार मैं कहता हूँ मजा देने वाला मैच था। चल झूठा यार, पाकिस्तान इंडिया का तो मैच होता ही होता है। चलो हम देखते हैं, शौक से देखते हैं, पूरी कहने के दोस्त यार वगैरह इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो रात को मज़ा आ गया ना देखने का, श्रीलंका वालों ने वर्ल्ड क्लास अपनी बेस्ट से बेस्ट दी है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसने आपको खतरा नज़र आ रहा है, इसने पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ेगा। ग्रुप मैच में ये पाकिस्तान को एक मैच लाजमी हारेगा, ये मुझसे लिख के दे दें। ये वीडियो मेरी आपके पास रिकॉर्ड आ गई है, आप चेक कर लेना वापस आके, जब पाकिस्तान इन्होंने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हरा देगा और पाकिस्तान आगे जाके फाइनल में श्रीलंका से जीतेगा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। चलो ये बात की बात है, लेकिन यार बहुत ही मज़ा आया। उसकी वजह मेन वजह वाला क्या है, इंडिया है बहुत ही जस्ट बोर्ड के कह लें कि जो एक किस्म को हम कह सकते हैं जो आईसीसी को चला रहा है। अच्छा हमको सिखा रहा है आईसीसी का तकरीबन 3/4 हिस्सा या 2/4 हिस्सा इंडियन बोर्ड पे करता है। तो इसके जो आप देख लें जाके व्यूअरशिप के जो स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदे हुए राइट्स, यार इनकी 2.5 महीने आईपीएल चलती है, ठीक है। तो 2.5 महीने इन्होंने प्लेयर्स को करोड़ों रुपए में खरीदते हैं, उसके बाद जाके प्लेयर्स को लेके आते हैं। और इनके लिए कितनी शर्म की बात है, दो दुआलिया मुल्क, एक आलमोस्ट दुआलिया जो पाकिस्तान और दूसरा के नाम है श्रीलंका जो बिल्कुल दुआलिया हो चुका है, दोनों से हारे हैं। इमोशनल टाइम। चलो पाकिस्तान तो फिर भी स्पोर्ट में है ज़रा, अभी नहीं लोगों को पता लगा कि है दिवाली नहीं, कन्फर्म नहीं है, लेकिन श्रीलंका को सबको पता है कन्फर्म है। ये लोग खुद अपने बेस पर आ गए हैं, इन्होंने इनको किसी ने सपोर्ट नहीं की पैसे के लिए, तो ये रियल टैलेंट आ गया है। आप जो 1.5 महीने 2 महीने 2.5 महीने आईपीएल करवाते हो, करोड़ों रुपया देते हो, उसके बाद आपको मज़े की बात बताऊँ, जब आईपीएल चलती है तब दूसरी कोई सीरीज भी नहीं चलती है। आपको बताया इतना जस्ट बोर्ड है कि ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका, तो सारे तो प्लेयर इधर आए होते हैं खेलने के लिए, सब तो अब इधर आके खेलते हैं। तो इन्होंने तो किसी के सीरीज भी नहीं होने देते हैं आईसीसी के लिखवा के, उसके बावजूद इसने ना लास्ट टाइम हार्दिक पांड्या ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे पास इतनी प्लेयर्स हैं खेलने के लिए, कि हम ये जो इंडिया की टीम है ना इसके अलावा 2 टीमें और खिला सकते हैं, बना सकते हैं, जो किसी भी फॉर्मेट पे जाके किसी भी प्लेयर से टीम को जाके हरा सकती है। अच्छा उसकी स्टेटमेंट ऐसी दी हुई है, उसके बाद वो इंडिया मैच ही कोई नहीं जीता, वर्ल्ड कप से नॉकआउट से सीन में चला गया बाहर, ये एशिया कप में भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। तो एशिया कप में यार अब उसके चांस अगर मगर पर आ गए हैं। इफ अगर यार ये सेम सिचुएशन ना दो कह लें कि पाकिस्तान से पहले चलती थी 1992 से लेके 2015-16 तक तो मैंने ये चीज़ देखी है ना कि इफ अगर मगर सच नहीं 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 2019 के वर्ल्ड कप तक जब सरफराज अहमद में कप्तान था, तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, अगर ये टीम हारी तो पाकिस्तान आगे जाती है, क्वालिफाई करती है। तो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल। जब याद आ गया कि वो बाद में इंडिया इंडिया अगर जीती न्यूजीलैंड से तो पाकिस्तान ने आगे जाना था, लेकिन इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई थी, इंग्लैंड से भी, तो ये सीन चले थे।
तो इंडिया ने अपनी मुखालफत में खुद भी तो हारे, बाहर हो गए थे इंडिया, पाकिस्तान को लेके बाहर निकले थे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने का मकसद ये यार कि जो चीज़ें पाकिस्तान के साथ चल रही थी ना, इस वक्त इंडिया के साथ चल रही हैं। अगर कल आज सॉरी आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को अल्लाह करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लो स्ट्राइक रेट से हराना, लो के मुराद ये है कि आपने बहुत गंदा हराना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने जाके श्रीलंका का बहुत ज़्यादा गंदा हरा दे कि जैसे इसने हांगकॉन्ग के साथ किया था, वैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कर दे कि खुद इन्होंने 190 स्कोर मारा और वापसी पे इनको सिर्फ 3800 स्कोर पर आउट कर दिया। तो अगर अफगानिस्तान ऐसा करे और फिर बाद में पाकिस्तान श्रीलंका के साथ ऐसा करे, तो फिर इंडिया अफगानिस्तान को अच्छे स्ट्राइक रेट से हरा दे, सेम सिचुएशन, फिर इंडिया आगे जा सकता है। पागल हो मजाक हो रहा है भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो भाई। नहीं चांस बन रहे अब इंडिया के, इंडिया बाहर हो चुकी है, ये लिखवा लो बात मुझसे, लिखवानी क्या है, सबको पता बाहर हो चुकी है, इसमें हैरानी वाली भी बात कोई नहीं है। अब अगर मगर वाले सीन में आके ना पाकिस्तान पक्का पक्का बाहर ही होता था, तो ये हमसे समझ रहे हैं कि भाई हम भी जैसे मैच के चलते बात याद आ गई विराट कोहली की, कमाल यार जो उसने बोल्ड किया बॉलर ने। आपको 2012 की सीरीज याद आई होगी पाकिस्तान इंडिया की, तब मैं कहता हूँ कि ये सेम बोल्ड जुनेद खान ने किया था। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आंखें तरस गई थी ऐसी गेंद विराट कोहली को होते हुए, हमारे बॉलर्स ने अभी तक कह लें कि उसके इस किस्म की बॉलिंग नहीं की थी। जुनेद खान तो कह रहे पीसीबी के अपने हत्थी चढ़ गया कि अना की वजह से हमारे काफ़ी प्लेयर जाते लगे हैं, बीच में जुनेद खान भी शामिल है। तो या विराट कोहली अभी भी इससे डरता है बंदा यार, कि उसने 4 बार फेस किया था विराट कोहली को, जुनेद खान ने 4 में से 3 बार इसने बोल्ड मारा था विराट कोहली को 2012 की सीरीज में, मुझे अभी तक याद है। तो सेम बोल्ड इसने किया, कमाल यार मज़ा दे दिया इसने एक बंदे ने। बाकी यार अब टेंशन आ गई है पाकिस्तान की तरफ, क्यों ये श्रीलंका टीम बहुत अच्छी जा रही है इस वक्त। बाकी भाई आपके लिए फाइनल चीज़ तो यही है इंडिया वालों के कि भाई इंडिया बाहर हो चुका है, तो उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि भाई आप रोएं पिटें चीखें मारें, क्लास बुलाएं, रोएं चीखें या पिटें, क्यों जो वो पाकिस्तान को दबजन कहा था ना कि धूल चुटाएंगे यार, इतना आप इंडिया को लेके डूबे डूबा है इंडिया का गुरूर। इंडिया ने जब जब गुरूर किया है ना, तब तब वो उसने मुंगी खाई है। तो गुरूर का सर नीचा होता है, अल्लाह भी गुरूर करने वालों को पसंद नहीं करता है। तो ये चीज़ हमने मिसाल अपनी आंखों से देख ली कि यार वो दिवालिया मुल्क इस वक्त थर्ड वन जिसकी इकोनमी है जा रही उससे हारा है। वो लोग पैसा जब आईपीएल या प्री लीग वगैरह करवाते हैं तो बोरियां मुँह खोलते हैं, पानी की तरह पैसा बहा देते हैं अपना टैलेंट निकालने के लिए, और ये जो जिनसे ये हारे हैं इनके पास पैसे ही नहीं है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके आगे के लोग अब कह रहे हैं कि नवाज और रखपक्षा राजापक्षा, ये नवाज शरीफ तो सबको पता है कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, जो राजापक्षा है वो क्या नाम है श्रीलंका का सदर रह चुका है, जो भाग गया था ना जिसने दिवालिया किया था। तो ये वो दो लड़के बंदे हैं जिनके लिए ना फिर ट्रोलिंग वगैरह चल रही है कि यार ये दो बंदे थे जिन्होंने मुल्क को बचाया था। चलो ये तो पॉलिटिक्स की तरफ है, लेकिन भाई मज़ा आ गया इंडिया वालों, आह आह आह।